वेलकम बैक फ्रेंड्स टू एन अनदर वीडियो। तो आज हम एक नई चीज़ की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो इससे पहले मैंने एक और चीज़ अनबॉक्सिंग की थी, मिनी प्रोजेक्टर। तो आज भी हम एक प्रोजेक्टर की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में मिल जाएगा फ्रेंड्स, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं लिंक में क्लिक करके। तो आज हम इस की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। ये भी एक प्रोजेक्टर ही है, तो वो मिनी वाला था और तो आज बड़ा है, तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। ये बड़ा प्रोजेक्टर है, ये देखते हैं कितने इंच का, इस पर लिखा होगा डिटेल्स। तो पहले इसका हम हटाते हैं इसकी पन्नी को, उसके बाद हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए पहले इसकी पन्नी को हटा देते हैं। तो यहाँ पर चिपकी हुई है पन्नी, यहाँ पर तो फाड़ देते हैं इसको। तो देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये रही हमारा, देख सकते हैं, तो ये रहा हमारा ईगेट कंपनी का है, देख सकते हैं ईगेट कंपनी का है। तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पर प्राइस लिखा हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पर 12,990 रुपीज़, ऑलमोस्ट 13,000। सो फ्रेंड्स, इसका ये एग्जैक्ट प्राइस नहीं है, जो इसका जो एग्जैक्ट प्राइस है वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंड्स और इन्जॉय कीजिएगा वीडियो को, काफ़ी अच्छी वीडियो होगी। तो और आपने मेरा जो पिछले वाला वीडियो नहीं देखा, आपने अनबॉक्सिंग किया था मैंने इसका एक प्रोजेक्टर का, तो 120 इंच का था, तो उससे आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो चलिए, तो स्वागत है आप सबका मिस्टर इंडियन टेक अनबॉक्सर में, मेरा नाम है सागर। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम अनबॉक्सिंग। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ पर बॉक्स में तो कोई डिटेल्स नहीं दिखी है, बस ब्रांडिंग की गई है ईगेट। तो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ कीवर्ड कोड्स वगैरह कुछ दे रखे हैं और ये एक LED प्रोजेक्टर, और यहाँ प्राइस रेंज के वगैरह बारे में कुछ दे रखा है डिटेल्स। तो यहाँ पर इसका मॉडल नंबर है, यहाँ पर देख सकते हैं i3 रियल HD, यहाँ पर मॉडल नंबर है, तो देख सकते हैं इसका नाम है। तो चलिए इसकी सील को कट करते हैं हम, यहाँ पर देख सकते हैं सील हमने कट कर दिया है। तो अब इसके हम इसको हम निकालते हैं डब्बे में से, पैकेजिंग तो काफ़ी अच्छी की गई इसको बचाने के लिए। तो यहाँ पर ये भी आई थिंक पेस्ट किया गया है, यहाँ पर ये देख, यहाँ पर ये पेस्ट कर दिया गया है ताकि कोई नुकसान ना पहुँचे। तो इसको निकालते हैं यहाँ सर, और इस डब्बे में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते ये ऐसे निकलेगा, कुछ चीज़ें इसमें से निकल चुकी है हमारी, तो ये कुछ चीज़ें हमारी इसमें से निकल गई है, इसमें से यहाँ पर रख देते हैं। तो मुझे लगा था ये मिनी होगा, लेकिन काफ़ी बड़ा साइज है इसका, तो इसको हम बाद में देखते हैं, पहले इसकी एक्सेसरीज देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। तो इसमें एक रिमोट हमें दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी क्यूट सा रिमोट है, छोटा सा। तो और इसमें बैटरी भी लगने वाली है, बैटरी नहीं दी गई है, तो देख सकते हैं यहाँ पर आप ये। सो फ्रेंड्स, ये यहाँ पर एक ये AV केबल दे रखा है, ये देख सकते हैं ये लगाने के लिए, और इसमें ये पावर केबल दे रखा है, और ये हमारा पता नहीं ये क्या है, ये आई थिंक जैक में लगाने के लिए स्पीकर्स वगैरह में, अब पता नहीं किस चीज़ के लिए होगा, आई थिंक ये इसमें लगाने के लिए, और ये हमारा इसमें लगेगा, दिखाऊंगा आपको अभी मैं। और इसमें भी कुछ भी नहीं है, यहाँ पर ये एक बुक है, तो यहाँ पर बुक देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ डिटेल्स लिखी गई है, इसको कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, तो आप पढ़ सकते हैं ये। यहाँ पर वारंटी चीज़ की डिटेल्स भी यहीं पर दी गई है फ्रेंड्स, ये 1 ईयर वारंटी के साथ में आता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको हटाते हैं, साइड करते हैं, और इसको भी देखते हैं, इसमें डायरेक्ट इसको देखते हैं, हमारा ढक्कन निकल गया इसी में, तो फिलहाल इसको ये ढक्कन इसका लग नहीं रहा है, पता नहीं किस टाइप का ढक्कन दिया है इसमें, ये देखते हैं इसका ढक्कन लग ही नहीं रहा है, आई थिंक ये निकलेगा यहाँ से फिर लगेगा इसका ढक्कन, ये ऐसे करके। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर, तो फ्रेंड्स यहाँ ये रहा हमारा ईगेट का। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ डिटेल्स, बट ये पावर ऑन ऑफ बटन, ये ओके बटन, ये कुछ डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। ईगेट यहाँ पर ब्रांडिंग की गई है, लुकिंग में काफ़ी क्लासी लुक है फ्रेंड्स, यहाँ पर डिजाइनिंग की गई है ऐसे करके लाइनिंग टाइप की, और यहाँ पर ये लेंस है हमारा फोकस और की स्टोन का, और यहाँ पर ये हमारा मेन लेंस यहाँ पर है, इसको भी बंद कर देते हैं हम, और यहाँ पर ये हमारा स्पीकर दे रखा है इसमें, साथ में इनबिल्ट स्पीकर है। तो और यहाँ पर भी कुछ ये बटन है, पता नहीं किस काम का है, देखेंगे, और यहाँ पर भी कुछ डिटेल्स लिखा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं।
और यहाँ पर वेंटिलेटर यहाँ पर दे रखा है साइड से दोनों तरफ। तो और देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। यहाँ पीछे की तरफ यहाँ पर ये पावर केबल लगाने के लिए दे रखा है यहाँ पर, और ये यूएसबी केबल, ये एचडीएमआई, और ये आईआर है हमारा जो रिमोट के लिए काम करता है। और यहाँ पर ये आप मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, ये ऑडियो जैक, और ये एवी केबल हमारा इसी में लगेगा। इसको यहाँ पर लगा करके, फिर इसको इसमें लगा करके आप किसी भी चीज़ को आप कास्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए दे रखा है, ये एचडीएमआई केबल भी दे रखा है, और बीजीए केबल भी दे रखा है यहाँ पर, आरजीबी पीसी के लिए है ये बीजीए। और इस तरफ कुछ भी नहीं है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। तो चलिए अब हम देखेंगे इसको ऑन करके कैसा वर्क करता है और कैसा नहीं करता है। फ्रेंड्स कुछ चीज़ें हम चलाएंगे तो देखेंगे इसको हम चलाकर। तो चलिए पहले इसको हम सेटअप कर लेते हैं फ्रेंड्स। इसको हटा देते हैं डब्बे को, तो ये डब्बा हमने हटा दिया है, इसको भी हटाते हैं और देखते हैं। तो ये रहा हमारा पावर केबल, तो इसको हम ऑन करते हैं पहले। तो ये हमने यहाँ पर बोर्ड में लगा देते हैं यहाँ पर, इसके बाद हम इसको इसमें लगाते हैं पावर एडाप्टर। तो ये हमने लगा दिया यहाँ पर, देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर ये एलईडी जल चुकी है। तो पावर ऑन का बटन दबाते हैं, देखते हैं ऑन होता है कि नहीं। फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं लाइट्स जल चुकी है, और यहाँ से ये वेंटिलेटर भी शुरू हो गया, यहाँ पर हवा फेंकने लगा है फ्रेंड्स। और कहीं पर तो नहीं फेंक रहा है, इस साइड को फेंक रहा है और इस साइड भी फेंक रहा है। और ये तो आगे स्पीकर है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स ये कैसा वर्क करता है। तो यहाँ पर और ये हमारा जो भी है, तो आपको मैं इसमें कुछ चलाकर भी दिखा दूंगा। इसमें एक चीज़ अच्छा होता अगर इसमें स्टैंड दिया होता तो, क्योंकि यहाँ पर ये स्टैंड का कोई ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है माउंट करने के लिए। इसको हम रख कर ही चला सकते हैं, ऐसे नहीं चला सकते इसको, तो ये थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग लगती है। आप इसे हैंग कर सकते हैं, तो देख सकते हैं आप ये। तो चलिए हम लाइट्स को करते हैं ऑफ, उसके बाद हम दिखाएंगे आपको कैसे ये है। सो फ्रेंड्स ये रहा हमारा प्रोजेक्टर, देख सकते हैं आप ये, आपको यहाँ पर ये स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। तो हम लाइट्स को ऑफ़ करेंगे तो उसके बाद देखेंगे। तो अभी हम यहाँ पर लाइट्स को ऑफ़ करेंगे, तो सबसे पहले हम मॉनिटर को ऑफ़ कर देते हैं यहाँ पर अपने, उसके बाद हम देखेंगे इसको, क्योंकि मॉनिटर की लाइट्स भी होती है। तो हमने मॉनिटर को ऑफ़ कर दिया है, यहाँ पीसी की लाइट ऑन है सिर्फ। तो हम लाइट्स को ऑफ़ करेंगे फ्रेंड्स, तो चलिए हम देखते हैं लाइट्स को ऑफ करके। एलेक्सा टर्न ऑफ लाइट्स, तो थोड़ा सा कुछ समय लेता है लेकिन बंद कर देता है लाइट्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप ये हल्की फुल्की लाइट है, वो भी जल्दी बंद कर देते हैं उसे भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ डिटेल्स तो आपको पूरी नहीं आ रही होगी। यहाँ पर इसको फोकस करते हैं हम, ये तो एंगल है, ये इसको फोकस करते हैं, आई थिंक ये पास है इसलिए थोड़ा सा ऐसे हो रहा है, काफ़ी नज़दीक से चल रहा है। यहाँ पर इस स्टैंड नहीं दिया गया, नहीं तो काफ़ी अच्छा होता देखने में। और यहाँ पर देख सकते हैं आप ये फोकस नहीं हो पा रहा है, इसको हम करने की कोशिश करते हैं। तो फोकस हो जा हो जा हो जा, तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स अभी भी नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा देखते हैं ट्राई करते हैं फोकस करने की इसको। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं आप ये अभी भी नहीं हुआ है, ये ऑफ हो गया गलती से, सॉरी फ्रेंड्स। इसको ऑन करते हैं हम, तो ये हमारा प्रोजेक्टर ऑन हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक बच्चे की फोटो आ रही है लेकिन फोकस नहीं हो रहा है, अब पता नहीं क्या हुआ फ्रेंड्स, आ गया। तो देखते हैं फोकस हो जा। सो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पूरी तैयारी कर ली है, तो थोड़ा सा फोकस नहीं हो पा रहा था तो मैंने वीडियो को रोका था बीच में। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरी तरह से फोकस हो चुका है। ये अभी इंच स्क्रीन का लगभग आई थिंक होगा 70 से 80 इंच का भी आई थिंक खुला होगा, ये हल्का सा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा लेकिन सीधा नहीं हो पा रहा था इसीलिए। तो मैं इसको ऐसे ही आपको दिखा दे रहा हूँ फ्रेंड्स, तो एक वीडियो में आपको चला के दिखाया था आपको मैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके साथ एक रिमोट दिया गया है, तो इसकी क्वालिटी वगैरह आपको अंदाज़ा हो जाएगा कैसा है। तो यहाँ पर इसका इंटरफेस कुछ ऐसा है फ्रेंड्स, देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं वीडियो आपको चलाकर दिखा देता हूँ इसकी क्वालिटी वगैरह, तो यहाँ पर मैं आपको चलाकर दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मिस्टर इंडियन टेक अनबॉक्सर में, मेरा नाम है छोटा सागर। क्यों हो तो गया, आज हम अनबॉक्स कर तो यहाँ पर ये बड़ा हो गया फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मिस्टर इंडियन टेक तो अनबॉक्सर देख में, सकते मेरा हैं नाम है फ्रेंड्स। सागर। तो आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं एक बच्चों का खिलौना, देख सकते हैं जैसा कि ये। तो यहाँ पर पॉज करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर इसकी वॉइस क्वालिटी आपको वो भी समझ में आ गई होगी कैसी है फ्रेंड्स इसकी वॉइस क्वालिटी। तो इसकी ये इसका जो है आवाज़, इसका ओरिजिनल है, थोड़ा सा
प्रोजेक्टर थोड़ा सा दूर है तो थोड़ा सा आवाज़ देख सुन सकते हैं आप, लेकिन जो ये आवाज़ आपको सुनाई दे रहा है ये प्रोजेक्टर से ही आ रहा है फ्रेंड्स। तो ये काफ़ी हेलीकॉप्टर है क्रिस्प और देख सकते क्लियर हैं, तो नहीं कहूँगा तो लेकिन आज हम इसकी क्लियर है, अनबॉक्सिंग फुल करने एचडी वाले हैं। वीडियो इसमें सपोर्ट होता और है इससे पहले फ्रेंड्स, एक मैंने देख सिल्वर सकते हैं आप लीफ ये। रोबोट आपके लिए अनबॉक्सिंग किया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन में देख सकते हैं, वहाँ पर क्लिक करके आप, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स जैसा कि आपने ऑडियो क्वालिटी वगैरह सुनी लिया होगा, वीडियो क्वालिटी आपको अंदाज़ा हो ही गया है कैसा है। ये फुल एचडी वीडियो सपोर्ट करता है फ्रेंड्स और फुल एचडी है तो आप देख सकते हैं। मैंने एक 4K कंटेंट चलाकर देखा तो वो नहीं चला फ्रेंड्स, ये तो फुल एचडी तक सपोर्ट करता है। फुल एचडी काफ़ी अच्छे से चलता है फ्रेंड्स, ये 200 इंची तक आपको ये सब क्लियर एकदम आपको वीडियो दिखाई देगा आपको फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं, बाय करना चाहे तो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फ्रेंड्स, तो आप देख लीजिएगा इसकी क्वालिटी वगैरह तो देख सकते हैं आप ये। सो फ्रेंड्स जैसा कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पर ये, तो चलिए मैं आपको इसकी कुछ सेटिंग्स वगैरह दिखाता हूँ कैसा है और क्या है। तो देख सकते हैं आप इसकी सेटिंग्स वगैरह, तो यहाँ पर आपको सेटिंग्स में दिखा देता हूँ यहाँ पर क्या क्या चीज़ें इसमें है। सेटिंग्स में आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप ये, तो आप पिक्चर मोड वगैरह आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर अपने हिसाब से, कॉन्ट्रास्ट वगैरह अपने हिसाब से आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी सेटिंग्स दी गई है फ्रेंड्स, तो नो सिग्नल। सो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ और सेटिंग्स मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसा कि ये देख सकते हैं यहाँ पर आप कोई भी जो HDMI वगैरह PCRGB वगैरह AV केबल जो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं इससे। तो फिलहाल हम USB में रखते हैं, तो यहाँ पर ये और सेटिंग्स वगैरह कलर टेम्परेचर वगैरह आप देख सकते हैं यहाँ पर अपने हिसाब से आप इसे सेट कर सकते हैं। तो और एस्पेक्ट रेशियो भी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं यहाँ पर, ये 4:3 सेट करते हैं तो वहाँ पर देख सकते हैं ये 4:3 नहीं आ रहा है अभी। यहाँ पर नॉइज़ रिडक्शन भी यहाँ पर देख सकते हैं मीडियम और हाई में भी आप रख सकते हैं फ्रेंड्स, तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। बहुत सारे ऑप्शन इसमें हमें दे रखा है, तो फ्लिप हॉरिजेंटल और वर्टिकल भी कर सकते हैं आप इसे। और इसमें एक अलग से चीज़ें दे रखी है जैसे कि इसमें देख सकते हैं ये, तो और भी एक साउंड मोड का ऑप्शन दे रखा है, इनपुट सोर्स का ऑप्शन है ये, तो आप देख सकते हैं यही सब चीज़ें फाइल टेक्स्ट वगैरह जो भी आप इसे देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो आप इसको इसमें यही सब सेटिंग्स दी गई थी। सो फ्रेंड्स चलिए हम चेक कर लेते हैं लाइट्स में ये हमें कुछ विजिबल होता है कि नहीं, तो चलिए हम लाइट्स को अब ऑन करते हैं यहाँ पर, देखते हैं ये विजिबल हो रहा है कि नहीं। तो लाइट्स ऑन करते हैं अब, तो ये हमारा अब लाइट ऑन हो गया, तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ हल्का फुल्का विजिबल हो रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए तो थोड़ी हल्की लाइट अप करके देखते हैं उसमें हमें दिखता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कुछ हल्की फुल्की दिख रही है, तो यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ी हल्की लाइट करते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ी हल्की लाइट में ऐसा दिखता है और फुल लाइट करते हैं तो हल्का एकदम लाइट दिखता है। तो चलिए लाइट्स को ऑन रख। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपने इसका क्वालिटी वगैरह देख ही लिया होगा, तो ये थोड़ा बिग साइज है, तो ये काफ़ी बिग है, तो और इसकी एक प्रॉब्लम मुझे नहीं अच्छी लगी, इसमें एक प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा हीट कर रहा है फ्रेंड्स। इतनी देर में ही मैंने ज़्यादा देर, आपने वीडियो देखा ही होगा कितनी देर चला है, ज़्यादा देर मैंने चलाया भी नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा हीट हो गया है फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है और यहाँ से बहुत गर्म गर्म हवा बाहर आ रहा था, तो ये बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, तो देख सकते हैं आप इसे। तो मुझे इसकी क्वालिटी अच्छी लगी, ये फुल एचडी के हिसाब से काफ़ी अच्छी है इसकी क्वालिटी फ्रेंड्स। आप बाय करना चाहें तो बाय कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स और जो चीज़ें थी आपने ये देख ही लिया होगा, ये केबल वगैरह और इसमें एक रिमोट दिया था, ये देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ऐसा इसका रिमोट दिखता है, देख सकते हैं काफ़ी छोटा सा क्यूट सा है। तो ये रहा रिमोट और ये रहा प्रोजेक्टर। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप इसे कम से कम आपने देखी इसका इंची मैंने आपको बताया, यहाँ पर रूम में मैंने चलाया तो इसलिए ज़्यादा बिग नहीं कर पाया, 70 से 80 इंच का लगभग हो पाया है, तो आप इंची का मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता लेकिन लगभग मैंने 70 से 80 इंच मैंने अनुभव किया, तो उतना मैंने आपको बोला है अनुभव से, तो आप देख सकते हैं ये कम से कम 200 इंची तक इसमें सपोर्ट करता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो कि आपके पास जो बुकलेट होगा उसमें आप देख सकते हैं, मैंने अभी देखा नहीं बुकलेट में, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप इसे, तो इतना ये सपोर्ट करता है फ्रेंड्स
कम से कम 2 इंची तक ये सपोर्ट करता है। और इसका ल्यूमन्स है यहाँ पर हमारा 2400 ल्यूमन्स है फ्रेंड्स इसका। तो यहाँ पर ये हमारा ये इसमें देखते हैं, ये रहा हमारा बुकलेट, इसमें देखते हैं तो इसमें हमें पता नहीं मेरे नहीं दिया गया आई थिंक इसमें, तो देख सकते हैं आप इसे इसे इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं दिया गया है, इसमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं है। आप इसके डिटेल्स जाने हैं तो वेबसाइट में आप जाकर इसके देख सकते हैं। इससे आप कुछ भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं, आप लैपटॉप पीसी या फिर कहीं प्रोजेक्ट दिखाने जा रहे हैं तो वहाँ भी आप कर सकते हैं, इसे कहीं से भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसे। सो चलिए फ्रेंड्स, तो यही था हमारा आज का वीडियो। सो बात करें इसकी प्राइस की फ्रेंड्स, तो इसका प्राइस 7999 ऑलमोस्ट 8000 रुपीज़ है। तो बाय करना चाहे तो बाय कर सकते हैं, आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो हमारा वीडियो था यहीं पर समाप्त। सो थैंक यू एवरीवन।